हाय गाइस कैसे हो आप सब मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई एम मैथमेटिक्स पर तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ सी बी एस ई मैथ्स का चैप्टर नंबर वन नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर फोरटीनथ लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं आपकी एन सी आर टी बुक के एग्जाम्पल नंबर एलेवन जो कि प्रेजेंट है पेज नंबर सिक्सटीनथ पर तो प्रीवियस लेक्चर में यानी नंबर सिस्टम थर्टींथ में हमने प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के बारे में देखा और उसमें हमने एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया तो आज के इस लेक्चर में हम एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर इलेवन का क्वेश्चन है उस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो जिस शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आप मेरे लेटेस्ट ले वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के जो पी डी एफ़ नोट्स हैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप वहाँ पर जाएँ मे बी इट बी कंप्यूटर पी सी सेम थिंग टैबलेट फ़ोन लैपटॉप किसी भी चीज़ के ऊपर आप उस लिंक को ओपन करेंगे वो हो जाएगा और लिंक जो है और जो नोट्स हैं पी डी एफ नोट्स सॉरी वो डिस्प्ले हो जाएंगे जिनको आप कहीं पे भी कभी भी किसी भी टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो नोट्स आपको सिखाएंगे कि हाउ योर सपोज टू राइट योर सोल्यूशन योर आंसर इन आंसर शीट वो नीटनेस वो क्या क्या कंटेंट आपको मेंशन करना है एवरी थिंग तो इस टाइम पे कई बच्चों के पास मैथ्स की एन जो है वो अवेलेबल नहीं है तो उसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप मैथ्स एन का पी फॉर्म जो है वो उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो तो चलो जल्दी से अपनी कॉपी पेन या जो भी है पेपर जल्दी से निकालो और उसमें हेडिंग दे दो लेक्चर की जो कि है नंबर सिस्टम फोटीन और टॉपिक दे दो एग्ज़ाम्पल नंबर एलेवन नंबर सिस्टम फोटीन एग्जाम्पल नंबर इलेवन तो जल्दी से अपनी अपनी बुक्स जो हैं वो ओपन कर लो पेज नंबर सिक्सटीन पर और रीड करो एग्ज़ाम्पल नंबर इलेवन विजुअलाइज द रिप्रजेंटेशन ऑफ फाइव पॉइंट थ्री सेवन बार फाइव पॉइंट थ्री सेवन बार को आपने रिप्रजेंट करना है सेवन के ऊपर बार है सिर्फ नंबर नाइन के ऊपर अप टू फाइव डेसीमल प्लेसिस अप टू फाइव डेसिमल प्लेसेस अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ डेसिमल प्लेसेस जो पॉइंट के बाद नंबर लिखते हो उसे डेसिमल प्लेस कहते हैं फाइव पॉइंट थ्री सेवन 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 फाइव डेसीमल प्लेस हो गए वन टू थ्री फोर फाइव हाँ तो इस नंबर को जो है हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर अब ये नंबर आया कैसे देखो ये था नंबर 5.37 बार मतलब सेवन जो है वो रिपीट करता जा रहा है बट आपको साथ साथ में ये भी बता दिया है कि फाइव डेसिमल प्लेसेस इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर्स हैं आपके फाइव होने चाहिए तो थ्री उसके बाद सेवन 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 बस यहीं पर रुक जाओ इस नंबर को जो है आपने रिप्रजेंट करना है एकदम नंबर लाइन के ऊपर तो चलिए अब देखते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5.377 बार को नंबर लाइन के ऊपर तो हम आंसर जैसे लिखते हैं यहाँ पे ऐसे आप लिखोगे आंसर या सोल्यूशन और उसके बाद लिखोगे बाय द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बाय द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ये लिख देना है आप सब ने इसके ऊपर अब उसके बाद कैसे जैसे हम डिक्शनरी में किसी वर्ड को ढूंढते हैं एकदम उसी सेम तरीके से इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले अपने स्केल से फर्स्ट इनिशियल लाइन बना लेंगे नंबर लाइन जिसमें हम ज़ीरो से नॉर्मल नंबर लाइन जो है वो मेंशन करेंगे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे तो मैं यहाँ पे वन एंड हाफ़ का डिस्टेंस ले रहा हूँ क्योंकि फिर उसके बाद बाद जो है वो ईजी हो जाएगा मेरे लिए मैंशन मतलब आई मीन नंबर्स लिखना वरना काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो जाता है और नंबर्स जो हैं वो आसानी से नहीं लिखे जाते हैं आपने जो है प्रॉपर ऐसे ही लिखना है मैं क्या करूँगा अब अगली बार से सीधा लाऐसे डैशेज़ मार दिया करूँगा क्योंकि समझाना अब इसको बहुत ही लेंदी हो जाएगा अगर मैं ऐसे अब आप, आपके सामने बारी, बारी बारी ये बना बना के लिखने लगा तो, तो ये ज़ीरो है ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव और ये सिक्स फिर इधर माइनस वन और इधर माइनस टू तो आपका नंबर जो है फाइव पॉइंट थ्री सेवन 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 ये कहाँ लाइक करने वाला है ये लाइक करने वाला है फाइव और सिक्स के बीच में तो ये वाले पॉइंट्स को हम ए और बी लिख देंगे प्रीवियस लेक्चर देखो जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कैसे रिप्रेजेंटेशन करनी है लाइन का नाम देना बहुत ज़रूरी है उसके बाद हम फाइव और सिक्स का बनाने वाले हैं किस तरीके से बनेगा वो आप देखिए यहाँ पे ये यह ना एम एल है यहाँ पे फाइव लिख दिया है एक बड़ी इस लाइन को भी हम इससे बनाई देते हैं हाँ ये इतना 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 ये ऐसे वही तो मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मतलब बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है इसलिए मैं अब से ऐसे सीधा सीधा ही जो है लाइन जो है वो मार दिया करूँगा ऐसे बट आपको हमेशा स्केल से बनाना है 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 एंड 6 5 5 5 and मतलब ये जो नंबर है आपका ये A है ये B है अब 5.3777 पॉइंट थ्री सेवन 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 कहाँ लाई करने वाला है इन दोनों के बीच में तो इसको सी लेट कर दोगे और इसको डी अब नेक्स्ट लाइन बनाओगे सेम और 5.3 और 5.4 के बीच के डिजिट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करोगे आप तो ये है 5.3 इसी तरह ये 5.31 ये 5.32 ये 5.33 मैं एकदम अप्रॉक्सीमेट बना रहा हूँ तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है सिर्फ समझाने के लिए है आपको आपको प्रॉपर स्केल से प्रॉपर इक्वल डिस्टेंस रख के ही बनाना है 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38, 5.39 और ये 5.4 पॉइंट यहाँ पर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ये लाइन हमारी L तो ये वाला नंबर जो है ये है C और ये वाला नंबर जो है ये है D अब हमारा नंबर कहाँ लाई करेगा इस और इसके बीच में यानी E और F अब कुछ बच्चे सेम इसी तरीके से चलते करे जाते हैं और एंड में ये भूल जाते हैं अभी एंड हुआ नहीं है बट ये भूल जाते हैं कि आपको इसको ऐसे भी मैग्नीफाइन करके दिखाना होता है तभी तो पता चलेगा कि ये प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन है अगर आप ऐसे मैग्नीफाई करके दिखाओगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि ये प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन है और दो ये सब एंड में करते हैं क्योंकि ये फालतू के काम होते हैं मेन जो काम है वो पहले ये लाइंस वाला होता है तो अब ये नेक्स्ट लाइन बनाएंगे हम अब हमारा नंबर ई e और एफ़ के बीच में लाइक करने वाला है यानी ये फाइव पॉइंट थ्री सेवन अब इसके बाद चलेंगे फाइव पॉइंट थ्री सेवन वन फाइव पॉइंट थ्री सेवन टू फाइव पॉइंट थ्री सेवन थ्री फाइव पॉइंट थ्री सेवन फोर फाइव पॉइंट थ्री सेवन फाइव फाइव पॉइंट थ्री सेवन सिक्स फाइव पॉइंट थ्री सेवन सेवन 5.378, 5.379 एंड 5.38 ये है हमारे नंबर्स ये कौन सा है ये है ई e, और ये है एफ इस लाइन का नाम फिर से एल अब आपका नंबर कहाँ मिलने वाला है आपको यहाँ पे जी और एच के बीच में ये सेम अब आपको दो बारी करना है ये एक्चुअली में सेम चीज़ जो है आपको दो बारी करनी है मैं एक बारी दोबारा आपको लाइन बना के दिखाऊँगा एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे ऐसे ये लाइन का नाम एल लिख देंगे उसके बाद ये लाइन का नाम भी एल यहाँ पे 5.377 उसके बाद एक बारी मैं यहाँ पे प्रॉपर ढंग से मारी लेता हूँ थोड़ा सा तो अच्छा लगना चाहिए आपको हमेशा ये करना है मेरी तरह नहीं करना मैं तो सिर्फ समझाने के लिए ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए कर रहा हूँ बाकी है इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं असली जो इस चैप्टर का असली चीज़ है वो एक्सरसाइज 1.4 के बाद शुरू होगा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स वो इंटरेस्टिंग है ये सब तो क्या घिसा पिटा रटैलता पार्ट है इसमें कुछ और तो करना नहीं सिर्फ ये फालतू के काम ही करने हैं तो ये 5.377 अब देखो जब ऐसे ना लिख पाओ ना आप तो आप ऐसे टेढ़ा लिखना शुरू कर सकते हो जैसे 5.377 है तो यहाँ पे फाइव पॉइंट थ्री सेवन सेवन वन फाइव 5.3778 पॉइंट थ्री ये छोड़ दो तो फिर तो ये पॉइंट हो गया है आपका G और ये पॉइंट हो गया है आपका ओ, 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 हाँ ये बिल्कुल सही है फाइव सेवन एट ठीक है यही वाला लास्ट ये H अब आपका पॉइंट लाइक like करने वाला है यहाँ पे I और J के बीच में तो यहाँ पे लिख देंगे आप 5.3777 उसके बाद सेम ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरीके से जो है आपको अब ऐसे नहीं मारनी है आपने लाइने ये वाली ये तो मैंने आपको जल्दबाजी में समझाने के लिए किया है क्योंकि इस वीडियो में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जितना हम ये ऐसे वन टू थ्री के चक्कर में बना रहे हैं आपको प्रॉपर स्केल से जैसे मैंने ये बनाई ऊपर वाली या ये बनाई वैसे ही बनाना है तो ये फाइव तो यहाँ पर फाइव फाइव पॉइंट थ्री सेवन 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 एंड फाइव पॉइंट थ्री सेवन 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 एट ये जो है आपका नंबर ये है आई और ये है जे और जो रिक्वायर्ड नंबर था वो ये है जिसे हम P से लिखेंगे और नीचे आपने प्रॉपर एक ही लाइन लिखनी है P रिप्रेजेंट्स P रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है P फाइव पॉइंट अब कुछ बच्चे यहीं पे बड़ी शौक से इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और थोड़ी बहुत जो है गलती टीचर को मार्क्स काटने का मौका चाहिए तो वो काट लेता है क्यों क्योंकि ये जो लाइंस बहुत ही बेहद कीमती लाइंस ये बनाने जो है वो भूल जाते हैं और इस फालतू काम के लिए टीचर्स जो है मार्क्स अक्सर काट लेते हैं बट आप रिस्क रिक्स क्यों लेते हो रिक्स आप रिक्स बिल्कुल भी मत लो और सीधा इसको जो है लाइंस को ज़रूर बना दिया करो ये लाइन थोड़ी इम्प्रॉपर सी बन गई आप प्रॉपर ऐसे बनाना है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं छूटना चाहिए ये आई इधर और ये जे इधर ये तो बहुत ही ज़्यादा फालतू क्वेश्चन था इतना लंबा सारा और कर दिया इन्होंने वैसे इसमें कुछ है नहीं बिल्कुल ही ईजी सा कंसेप्ट है एकदम ऐसे तरीके से ही आपको जो है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से ये रिप्रेजेंट करना है इसको मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता वैसे इसमें है भी कुछ नहीं बहुत ही ईजी है कोई भी कर ले जब एक बार ही उसने सीख लिया है तो तो इस लेक्चर में इसके साथ साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है जो शायद कहीं पे वन मार्क में ट्रू या फॉल्स फिलप्स में शायद कहीं जो है वो पूछी जाए और वो ये बात है एक लाइन लिखना चाहूँगा मैं आपको जैसे हमने ऊपर विजुअलाइज़ किया 5.3 अभी ऊपर क्या है यहाँ पे राइट में 3777 सेवन 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 ऑन नंबर लाइन हमने इसे विजुअलाइज़ किया तो हमें इसको विजुअलाइज़ करते करते एक बात जो है वो रिज़ल्ट जो है वो हमारे सामने आ रहा है और वो रिज़ल्ट ये है कि हर एक रियल नंबर को एवरी रियल नंबर जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ मतलब इम्पॉर्टेंट है एक नाक का क्वेश्चन उससे आ सकता है इसका मतलब ये है कि एवरी रियल नंबर इज़ रीप्रजेंट इज़ रीप्रजेंटड बाय यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन मतलब हर एक रियल नंबर का एक यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन के ऊपर ऐसे नहीं कि टू को हम दो अलग अलग पॉइंट्स पे लिख दें नहीं लिख सकते टू का एक ही फिक्स्ड पॉइंट होगा नंबर लाइन पे और उस टू की जगह को कोई भी नहीं ले सकता है या फिर हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि एवरी पॉइंट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन represents वन एंड ओनली वन रियल नंबर वन एंड ओनली वन रियल नंबर ये कुछ फालतू फालतू रिजल्ट हैं जो एक मार्क्स में कहीं पर पूछे जा सकते हैं इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये पॉइंट लिखा है तो ये पॉइंट जो है वो इस ही नंबर का है कोई और नंबर जो है वो इस पॉइंट की जगह नहीं ले सकता मतलब हर एक रियल नंबर का एक यूनिक पॉइंट होता है आपका कमरा जो है वो घर में आपका ही है कोई और उसके आके आपको उसमें रिप्लेस नहीं कर सकता फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में एक एग्ज़ामिनेशन शीट है टीचर बांट रही है तो आपकी जो एग्ज़ामिनेशन शीट होगी वो एक यूनिक होगी क्यों क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी होगी उसके ऊपर आपका नाम लिखा होगा उसके ऊपर आपका नाम होगा लिखा होगा जब आप सबमिट करोगे वो किसी और की नहीं हो सकती यही है नंबर्स के केस में नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स का जो पॉइंट है वो फिक्स्ड है कोई और उसकी जगह नहीं ले सकता आई होप ये छोटी सी फालतू बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर टुडे अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज़ 1.4 जो है वो शुरू कर देंगे उसके दो ही क्वेश्चन हैं बहुत ईजिली ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद अच्छे से टॉपिक्स पे आएंगे वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स वहाँ से जो चैप्टर है थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा अभी तक तो एकदम बोरिंग चल रहा था डेसिमल एक्सपेंशन फिर भी ठीक था नंबर लाइन वाला पार्ट तो वहाँ बोरिंग है सो so, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें साथ ही साथ मैं एक बारी दोबारा बता देना चाहता हूं कि इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स को एक बार मेरे कहने पर ज़रूर डाउनलोड करें आपको हर एक चीज़ इवन जो लाइन मैंने लिखी थी रियल नंबर्स के बारे में एकदम प्रॉपर नीट एंड क्लीन मैनर में आपको मिलेगी कहीं से भी कभी भी और किसी भी टाइम पर आप जो है ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं ईजीली एक्सेसिबल नोट्स हैं ये और आपके ही यूज़ और यूटिलाइजेशन के लिए हैं ये नोट्स सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड